एवं इंट्रा स्टेट कार्गो की आवाजाही पर कोई भी रोक नहीं है चाहे आवश्यक वस्तु या उसके अलावा कोई भी वस्तु ट्रांसपोर्ट हो रहा हो गोदाम और कोल्ड स्टोरेजेस भी सब तरह के गुड्स को स्टोर कर सकते हैं कंपनीज के परिसर के भीतर भी जो गोडाउन्स इत्यादि हैं वे भी एग्जेमटेड श्रेणी में शामिल हैं सभी स्टेट अथॉरिटीज को यह भी सुनिश्चित करना है कि एसेंशियल गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके कर्मचारियों और मजदूरों को सुचारू रूप से पासिस मिले जिससे कि इन यूनिट्स के कार्य में कोई भी बाधा ना आए आजकल हम काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी ज्यादा हो रहे हैं और सोशल मीडिया का भी प्रयोग ज्यादा हो रहा है गृह मंत्रालय साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल के माध्यम से समय समय पर साइबर क्राइम्स खासकर फाइनेंशियल क्राइम्स से बचाव के उपाय बता रहा है उस पर वर्क फॉर होम से भी संबंधित साइबर सिक्योरिटी टिप्स उपलब्ध हैं जो काफी उपयोगी हैं आपसे निवेदन है कि आप साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल को फॉलो करें और इनके बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल साइबर क्राइम डॉट गव डॉट इन पर जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं इस पोर्टल पर आप साइबर क्राइम भी रिपोर्ट कर सकते हैं इन सब कदमों से हमें विश्वास है कि हम साइबर स्पेस पे अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे धन्यवाद धन्यवाद आईसीएमआर रिपोर्टर आई की तरफ से दो अपडेट है फर्स्ट अपडेट इज अबाउट टेस्टिंग फैसिलिटीज करेंटली देर आर 219 टेस्टिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री दैट इंक्लूड्स 150, 151 लैब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड 68 एट लेबोरेटरीज इन प्राइवेट सेक्टर सेकेंड अपडेट इज अबाउट नंबर ऑफ सैंपल्स टेस्टेड टिल टू थर्टी टुडे अ टोटल ऑफ वन लैख एटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्स टेस्टेड of which 7953 that is 4.3% were positive in the last 5 days the average number of samples that have been tested is 15747 samples per day and average number of samples which turned out which were positive was uh, 584 samples per day so these are the updates from ICMR thank you, thank you. <coughs> total number of sample tested till today to 30 p.m. is 1,86,906. Of these, 7,953 are positive. The average number of samples tested per day in last five days is 15,747. And average number of uh, samples who are positive, which are positive per day is 584 in the last five days. हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज जस्ट टू गिव यू स्टेटस अपडेट ऑन कोविड नाइन्टीन सिचुएशन जैसे मेरे कोलीग ने कहा है हमारा एक मेजर एफर्ट है कि हम किस तरीके से अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को फर्दर बढ़ाते रहें और इसके संबंध में माननीय हेल्थ मंत्री माननीय गृहमंत्री के लेवल पर जो डिटेल डिस्कशन हुआ था विथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उसके तहत हम प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज में अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए देश में चौदह मेंटल इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें हमारे एम्स निम्हांस और ऐसे इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो नेशनल uh, रिप्यूट के इंस्टीट्यूट हैं उनको लेते हुए उनके द्वारा हम अपने स्टेट और गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मेंटरिंग करके अपनी मेडिकल कैपेसिटी बढ़ाएंगे साथ ही जैसे कि आप लोगों को अवगत है कि इस समय देश का एक मेजर फोकस है कि किस तरीके से जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट हो उसके साथ ही उनके सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाए उन कॉन्टैक्ट्स का एज पर प्रोटोकॉल फॉलोअप किया जाए उसके साथ ही जो हमारे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उनको फील्ड पर बिना किसी कोताही के 100 परसेंट इम्प्लीमेंट किया जाए और इस एफर्ट में हमारे सारे डायरेक्शन जो एफर्ट्स हैं वो उसमें फोकस्ड हैं अब तक का स्टेटस अपडेट इन टर्म्स ऑफ केस मैं आप लोगों के दृष्टि में लाना चाहूंगा तो अगर आप देखें तो आज तक अगर हमारे देखें तो टोटल 8,356 पॉजिटिव केसेस हमारे पास पाए गए हैं कल से वह आज तक के केसेस देखें तो 909 एडिशनल केसेस आए हैं इसके नीचे के ग्राफ में ही अगर आप काइंडली नोटिस करें तो दिस शोज द फिगर्स ऑफ टोटल डेथ विच हैव बिन रिपोर्टेड 273 हंड्रेड सेवेंटी थ्री डेथ बिन रिपोर्टेड सो फार थर्टी फोर डेथ बिन रिपोर्टेड ड्यूरिंग द डे साथ ही एक पॉजिटिव न्यूज में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि वाईल वी हैव एरियाज ऑफ कंसर्न रिलेटेड विद केसेज एंड डेथ देर इज ऑल्सो पॉजिटिव न्यूज कि हमारे केसेज रिकवर भी हो रहे हैं और 716 पॉजिटिव केसेज जो हमारे थे वह रिकवर हो गए हैं और डिस्चार्ज की स्थिति में हैं और अगर दिन प्रतिदिन देखें तो जैसे दो दिन पहले 139 केसेस क्योर हुए कल और आज के एक दिन में देखें तो चौहत्तर केसेस हमारे क्योर हुए हैं आज मैं आप लोगों के सामने एक और मुख्य अंश लाना चाहूंगा जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है वह यह है कि हम वॉट इज आर स्ट्रैटेजी इन वॉट अप्रोच वी आर मूविंग टूवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल द पॉजिटिव केसेज तो इसमें हम लोगों ने अपने पूरे जो कोविड केसेस को एनालाइज किया और इससे पहले भी आप सबकी नॉलेज में लाया जा चुका है कि अराउंड 80 परसेंट केसेज जो कि माइल्ड और एसिम्टोमेटिक होते हैं पॉजिटिव हैं लेकिन माइल्ड और एसिम्टोमेटिक हैं उनको हम कोविड केयर सेंटर्स के द्वारा ट्रीट करते हैं इसके साथ ही जो हमारे मॉडरेट क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जिनको फर्दर एडिशनल प्राइ उसकी जरूरत है कि उसको ट्रीटमेंट मिले उनको हम कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स जहां पर कि डॉक्टर्स के साथ साथ ऑक्सीजन सपोर्ट की भी अवेलेबिलिटी हो उसको हम इंश्योर करते हैं साथ ही जो क्रिटिकल और सीवियर केसेज होते हैं उनको हम फर्दर टचरी हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहां पर कि वेंटिलेटर और आईसीयू सपोर्ट रिलेटेड सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं आप लोगों के नॉलेज के लिए एक मैं और चीज लाना चाहूंगा कि इन सारे जितने भी हमारे थ्री सेट्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उनको हम फर्दर एम्बुलेटरी सपोर्ट के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं इनको प्रॉपर मैप करते हुए ताकि इनके द्वारा अगर कोई आज एक माइल्ड सिम्टम वाला केस है और उसके अगर मॉडरेट सिम्टम में कन्वर्ट होता है तो वो एम्बुलेंस उसको हेल्थ सेंटर ले जाए या अगर कोई माइल्ड सिम्टम वाला केस है और उसके क्रिटिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो तो हम उसको इमीडिएटली आईसीयू बेड सपोर्ट वाले कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दें इससे लिंक ही आप लोगों के नॉलेज में लाना चाहूंगा कि अगर हम अपने केसेस को पिछले कुछ दिनों से एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि 29 मार्च को हमारे नाइन पॉजिटिव केसेस थे और इससे करके धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आज की तारीख में हमारे पास मान लीजिए 8356 पॉजिटिव केसेस हैं तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने बात की है कि इसमें से करीब बीस परसेंट जो होंगे वो की मॉडरेट सिम्टम्स या जिनको आईसीयू सपोर्ट की जरूरत होगी तो अगर हम उसके हिसाब से इसका विभाग करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी हमारे को एक हजार छह सौ इकहत्तर ऐसे पेशेंट होंगे जिनको कि स्पेसिफिकली ऑक्सीजन सपोर्ट या क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो यह फिगर मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि ताकि हम समझे कहीं पर कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो कहीं पर प्रॉपर क्लैरिटी रहे कि गवर्नमेंट इज अवेयर गवर्नमेंट इज प्लानिंग इट्स थिंग्स इन बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड सो हैव टू मैनेज द सिचुएशन और इसी केस को अगर आप इसको एनालाइज करें तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का एक बहुत मेजर एफर्ट है कि हम हर तरीके से अपने कोविड पेशेंट को जहां पर हम ट्रीट करें वहां इंफेक्शन प्रिवेंशन प्रॉपरली हम मैनेज कर सकें उसके तहत ही हम लोगों ने इन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थ्री टाइप ऑफ कोविड हॉस्पिटल्स की बात की है और आज का अगर आप डेटा देखें यह मैं आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली लाना चाहूंगा कि जैसे उनतीस मार्च में मैंने आपको इससे पिछले वाली स्लाइड में दिखाया है कि अगर हमारे टोटल पॉजिटिव केसेज नाइन नाइन थे तो करीब बीस प्रतिशत केसेस के यानी कि 196 केसेस को उस दिन पर जो क्रिटिकल केयर या ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी और उसके तहत अगर देखें तो जो स्टेट लेवल पर 163 हॉस्पिटल्स के अंदर 41,900 के करीब डेडिकेटेड कोविड बेड्स अवेलेबल थे इसी तरीके से अगर 4 अप्रैल का डेटा देखें तो अगर हमें पांच बेड की जरूरत थी तो हमारे पास सिक्सटी 500 के करीब बेड्स फील्ड में अवेलेबल हैं और इसी तरीके से अगर 9 अप्रैल का डेटा अगर आप देखें तो अगर हमारे को एक, एक के करीब बेड्स की जरूरत थी तब हमारे पास पिचासी हजार के करीब बेड्स अवेलेबल थे और इसी तरीके से अगर हम आज की बात करें कि हमें अगर 1671 बेड्स की जरूरत है तो देश में कोविड के मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में एक लाख पांच हजार के करीब बेड हमारे पास अवेलेबल हैं 601 हॉस्पिटल में 7000 एडिशनल बेड्स के साथ मिलिट्री के सारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं इन सारी जगह पर हाई डिपेंडेंस यूनिट और आईसीयू का ऑर्गेनाइजेशन भी किया जा रहा है इसी तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अरुणाचल प्रदेश में पचास स्पेशलाइज टेंट्स लगाए हैं जिस एक टेंट में दो पेशेंट आ सकते हैं जिसमें रिक्वायर्ड मेडिकल इक्विपमेंट भी होते हैं ये वॉटर प्रूफ टेंट्स हैं जो माइल्ड स्टील और एल्यूमिन अलॉय से बने होते हैं जिसके द्वारा अगर हमें जरूरत पड़े तो फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री आल्सो विद इमीडिएट रीच हम लोग जा सकते हैं हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा कोई भी पेशेंट हो उसको किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी देने में कोई भी समस्या ना आए इसके साथ ही हमारे डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे कि अगर आप देखें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 10 हॉस्पिटल में 280 आइसोलेशन बेड्स ऑर्गेनाइज किए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बेंगलोर में 90 बेड्स का अपना एक और फैसिलिटी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में ऑर्गेनाइज की है तो इस तरीके से करते हुए सारे के सारे हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशन है सब जुड़कर इसमें कार्य कर रहे हैं बीस हजार ट्रेन कोचेस को आइसोलेशन वार्ड्स में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है जिसके तहत पहले फेज में फाइव थाउजेंड कोचेज को कन्वर्जन हम कर रहे हैं ये सारी कोचेज होंगी जिसमें प्रॉपर इंटीरियर्स होंगे सैनिटाइज इंटीरियर्स होंगे डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे रेलवे ऑफिसर्स और नर्सेज भी होंगी ताकि वो पेशेंट्स को वहां पर कोऑर्डिनेट कर सकें